आइए बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या नए टॉपिक की स्टार्टिंग ही करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका दूसरा चैप्टर चलने जा रहा है, नाम है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना की बेटा हम बात करेंगे, याद रखिएगा। तो भाई आप हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें जानने की इसमें पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु तीन चीजें, इसका इतिहास क्या है, फिर इसकी खोज कैसे हुई, जब खोज पढ़ लेंगे तब इसका जो रासायनिक अध्ययन होता है हम लोग वो करेंगे, ठीक है। ये विश्लेषण है इसका पूरा पूरा, ये परमाणु का हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, विश्लेषण, ठीक है ना। तो अगर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाना स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतिहास। एक थे महर्षि कणाद, कई वर्ष पहले, समय की पुष्टि नहीं की जा सकती है, साइंस के अधिकतर वैज्ञानिकों ने समय की पुष्टि नहीं की है कि महर्षि कणाद कौन थे या महर्षि कणाद कब, महर्षि कणाद कौन थे ये तो पुष्टि हुई है, लेकिन कब किस सन में थे या तब असल में पौराणिक समय चल रहा था, समय की पुष्टि न हो पाने का यही प्रमुख कारण है कि कोई मजबूत साक्ष्य नहीं। तो जब कणाद की बात की जाती है तो इन्होंने कथन दिया था परमाणु से संबंधित, परमाणु से संबंधित एक कथन दिया था बेटा। वो कथन क्या था, कथन ये था कि ब्रह्मांड, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे 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 अविभाज्य, अविभाज्य की बात नहीं की, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा ये बात कही गई है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी महर्षि कणाद ने। जब महर्षि कणाद ने ये बात कही तो इसकी पुष्टि उस समय की कई महर्षियों ने की, दूसरे महर्षियों ने इसकी पुष्टि भी कहा कि हाँ ये सत्य है। बाद में अगर परमाणुवाद की बात की जाए तो एक आता है डाल्टनवाद, और डाल्टनवाद मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनके अनुसार जो परमाणु है, जो परमाणु है वह अविभाज्य होता है, क्या होता है, अविभाज्य होता है, और क्या होता है, देखिए उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, और होता है अति सूक्ष्म होता है, क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और ये भी बताया कि जो परमाणु है वह पदार्थ का क्या होता है बेटा, मौलिक कण होता है, क्या होता है, मौलिक कण होता है। अच्छा ये बात हुई, अब परमाणु से संबंधित जो ये दो बात हुई, एक कणाद की बात कही गई और एक कही गई डाल्टन की, और ये जो दोनों तत्व हैं भाई सबसे पहले इन्होंने ये टॉपिक छेड़ दिया है ना, इस टॉपिक के जन्मदाता मतलब परमाणु क्या है, परमाणु पर विचार रखे गए, परमाणु पर लोग बोले,
परमाणु पर लोगों ने प्रयोग किए, प्रेक्षण निकाले, निष्कर्ष निकाले, ये चीजें हुई। इसकी शुरुआत किसने की? महर्षि कणाद ने। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु से संबंधित सबसे पहली, सही या गलत इनको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे पहली व्याख्या करने वाले कौन थे, तो आप आंसर क्या देंगे? महर्षि कणाद। ठीक है, अब इन्होंने किसने कहा था ये बात परमाणु से संबंधित? इन्होंने कहा था विश्लेषिक ग्रंथ। कहीं पर ये लिखा होता है वैशेषिक ग्रंथ, ये कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको वैशेषिक ग्रंथ, लेकिन वास्तव में ये नाम क्या था? विश्लेषिक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महर्षि कणाद। उसमें महर्षि कणाद ने किसके बारे में बात की? परमाणु के बारे में क्या बात की? कहा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने कहा कि परमाणु वह कण है जो अविभाज्य होता है, जो अतिसूक्ष्म होता है, और जो पदार्थ का क्या होता है? मौलिक कण होता है। तो डाल्टन की ये बात सही है। अब हम अपने आधार पर प्रयोग पुष्टि करेंगे। डाल्टन ने कहा कि परमाणु अतिसूक्ष्म है। हाँ, परमाणु सबसे छोटा होता है, लेकिन कब? जब हम पदार्थ के अस्तित्व की बात करें। परमाणु अविभाज्य है, देखिए परमाणु अविभाज्य है कि नहीं। आइए बेटा, हम आज जानते हैं कि परमाणु की वो कैसे भी बात करेंगे, लेकिन क्या है ये जरूरत है? भाई ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये कक्षाएं बनी हुई है। नाभिक के बाहर बेटा ये क्या बनी हुई है? कक्षाएं बनी हुई है। ठीक है, ये परमाणु है। अब ध्यान से देखिए, कक्षाएं अलग लगे इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नाभिक, ये और ये इसके बाहर उपस्थित है इलेक्ट्रॉन कक्षाएं, परमाणु कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है। तो भाई अति सूक्ष्म की बात की गई, तो हाँ ये बात महर्षि कणाद की और सॉरी डाल्टन की ये बात हम सही कहते हैं कि परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। लेकिन अविभाज्य की जब बात करेंगे तो दो चीजें आती हैं अविभाज्य होने। इसको अविभाज्य किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और किससे बना हुआ है? न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है, और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, प्रोटॉन से बना हुआ, और न्यूट्रॉन से। देखिए आपको दिखाई नहीं दिया था इसलिए आपको बनाया है। इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है, और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये बात तो ठीक है। अब बात तो है कि जब इसका अस्तित्व क्या हो जाए, विभाज्य होने पर, देखिए ऐसे लिखिए, विभाज्य होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन में ये है कि अस्तित्व समाप्त ना। अब देखिए विभाज्य जब करेंगे
तो विभाजित तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे, न्यूट्रॉन को अलग कर दे, प्रोटॉन को अलग कर दे, ऐसा होगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस प्रकार के तंत्र में लिखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब इस प्रकार के तंत्र में लिखे होते हैं भाई, जैसे ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे होंगे, इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे, तभी तो हम इसको परमाणु कह सकते हैं, तभी बेटा हम इसको क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पैकेट में रखे हैं, एक पैकेट में प्रोटॉन रखे हैं, एक पैकेट में न्यूट्रॉन रखे हैं, तब क्या हम उसको परमाणु कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो हमने विभाजन किया, विभाजन करने पर हमने देखा कि परमाणु परमाणु नहीं बचा, वो किसमें विभाजित हो गया, इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो गया, प्रोटॉन में विभाजित हो गया और न्यूट्रॉन में विभाजित हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर हमको उसका अस्तित्व समाप्त होने का खतरा ना हो, डर ना हो, मतलब ये ना सोचे कि इसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, हम उसको सिर्फ विभाजित करना चाहें, तो अगर विभाजित कर देंगे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, परमाणु का, परमाणु का अस्तित्व खत्म होकर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि डाल्टन का जो परमाणु था भाई, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि परमाणु वह अविभाज्यकण है जो विभाजित होने पर अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि डाल्टन का अपने जो अविभाज्य शब्द है, इसकी पुष्टि इन्होंने नहीं की है कि क्या ये अविभाज्य इसलिए कहा है कि अविभाज्य इसलिए है क्योंकि अविभाज्य होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बस मैं अस्तित्व क्या होता है, परमाणु को अगर हम विभाजित कर देंगे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, परमाणु का समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ अविभाज्य होने की बात। अब रही बात मौलिकरण, तो एक जो पदार्थ है वो परमाणु से बना हुआ है, लेकिन परमाणु किससे बने हुए, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो पदार्थ के मौलिक कण कौन हुए, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ। मौलिक कण का मतलब जिसके बाद कोई दूसरा कण ना हो। अगर हम परमाणु को मौलिक कण कहेंगे तो क्या इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, है? भाई परमाणु तो कुछ नहीं है, परमाणु कोई कण ही नहीं है, परमाणु तो नाम है, किसका नाम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के स्तंभ का। बस मैं नहीं है, तो परमाणु का, परमाणु सॉरी पदार्थ का वास्तव में जो मौलिक कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, परमाणु नहीं है। तो इन डाल्टन के कथन में ये दो त्रुटियां थी, कौन कौन सी, अविभाज्य और मौलिक कण, ये भी एक त्रुटि ही है, क्योंकि अति सूक्ष्म कहने पर इन्होंने कहा है कि परमाणु से छोटा कोई कण नहीं होता है, वास्तव में परमाणु से छोटे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से जिस तरह से हमने लिखा है आप सीक्वेंस से नोट करते आए होंगे और उसी तरह से नोट कर लीजिए, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।